मैं हाफिज़ महबूब हलीमी और मेरा लड़का मोहम्मद महसूबुर रहमान जैद। हम लोग हैदराबाद से हैं, यहाँ पर एक हफ़्ते का कैंप किए हैं। मेरे लड़के जैद को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। हम लोगों को 2018 में मालूम हुआ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, उस वक्त से फ़िक्रमंद थे। तो YouTube पे वीडियो सर्च करके देखता था तो ये IMD के बारे में मुझे मालूम हुआ। IMD के कई वीडियोस देखा और दो साल से मैं कोशिश में था यहाँ पर आने की, तो इस मर्तबा आने का इत्तेफाक हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह 3 अगस्त से 9 अगस्त तक के कैंप में हम लोग थे, तो माशाल्लाह यहाँ पर जो यहाँ का जो माहौल है बड़ा खुशगवार माहौल है। और यहाँ की जो फिजियोथेरेपी है, मैं वहाँ पे भी कराया था लेकिन नॉर्मल फिजियोथेरेपी करते थे। यहाँ पर आने के बाद जो DMD के बच्चों को जिस तरीके से फिजियोथेरेपी कराना चाहिए, यहाँ पर हमारे को आके मालूम हुआ कि ये बच्चों की फिजियोथेरेपी किस तरह की जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आने से बच्चे की सेहत, जो सेल्स जो कमज़ोर हो जाते बच्चों के, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट महसूस करा मैं। बच्चे के पैरों में थोड़ी सी ताकत, क्योंकि एक ही हफ्ता किए थे हम लोग, अब इसको जाकर कंटिन्यू हम लोग करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है ये बच्चे अपने पैरों पे चलते रहेंगे। देखिए मकसद ये है, ये जो बच्चे हैं DMD के या मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के, ये बच्चों को इस मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का इलाज नहीं है बल्कि खामोश रहना या छोड़ देना ये मसले का हल नहीं है। ये बच्चों की देखभाल करना बहुत ज़रूरी है। देखिए फ़िलवक्त इसकी दवा नहीं है लेकिन इंशाल्लाह अनकरीब इसकी दवा आएंगी। अगर हम बच्चों को केयर नहीं करेंगे, ये बच्चों का की तरफ तवज्जो नहीं देंगे, तो फिर ये बच्चे जिस वक्त दवा आएंगी तो दवा के काबिल ही नहीं रहेंगे। तो लिहाजा ये बच्चों को दवा आने के बाद दवा खिलाने के काबिल रखना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए क्या करना है, उसके लिए अपने को जो फिजियोथेरेपी बताते हैं वो उस तरीके से हम लोगों को बच्चों की फिजियोथेरेपी कराना है। और यहाँ पर जिस तरीके से लोग जो तरीक़ेकार बताते हैं बच्चों को, जिस तरीके से लोगों का केयर करना चाहिए, इन लोगों की देखभाल करना चाहिए, हाँ वैसा करेंगे तो इंशाल्लाह बच्चे हमारे सेहतमंद रहेंगे और चलते रहेंगे। दवा आ गई तो अल्लाह की दाद से उम्मीद है कि बहुत जल्द से जल्द दवा आएंगी, आने के बाद बच्चे इंशाल्लाह ये सेहतमंद होंगे इंशाल्लाह। और एक दूसरी चीज़ यहाँ पर मैंने जो देखा, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ का जो स्टाफ है बहुत बेहतरीन है और हर तरीके से यहाँ पर बच्चों को जिस तरीके से नरमी के साथ ले कर चलना चाहिए वो नरमी लोगों के अंदर है। और ख़ास तौर पर यहाँ पर मैं ये चीज़ देखा, यहाँ पर बच्चों के अंदर जो मोटिवेशन आता है, बच्चों के अंदर जो जज्बा आता है वो बहुत 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 लोगों के अंदर ये बहुत अच्छी चीज़ है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं देखा ये चीज़ यहाँ पर, मैं ख़ुद मेरे बच्चे को मैं स्कूल छुड़ा दिया था, 3 साल से बच्चा स्कूल नहीं जा रहा था, लेकिन यहाँ आने के बाद मैं देखा कई ऐसे बच्चे बड़े बड़े हैं जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के पेशेंट है और बैंक के सीनियर मैनेजर भी है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के पेशेंट है, बॉडी कुछ भी काम नहीं कर रही लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बैंक के मैनेजर है। तो मेरी हिम्मत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी, मैं यहाँ से अज़म करके जा रहा हूँ कि मैंने पहले यहाँ से जाते मैं मेरे बच्चे का एडमिशन कराऊँगा और अच्छा पढ़ाऊँगा और बच्चे को अपना ख़ास वक्त दे के इनकी फिजियोथेरेपी करते हुए, जब तक दवा नहीं आ जाती इंशाल्लाह मेरे बच्चे की देखभाल मैं खुद करूँगा। और फिजियोथेरेपी का जो लोग जो तरीक़ेकार बताए वो तरीक़ेकार से इंशाल्लाह मेरे बच्चे को मैं इस काबिल रखूँगा जब तक दवा नहीं आ जाती। हाँ, बच्चा जब मेरा सीढ़ियाँ चढ़ता था उस वक्त में तो बहुत दिक्कत होती थी, सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त बहुत दिक्कत होती थी। और जब अब ये जो 3-4-5 दिन का जो ट्रीटमेंट हुआ उसमें देखा, उसमें थोड़ी सी जैसे ताकत महसूस हुई उसको, वो खुद बोला मेरे को अब अच्छा दिख रहा अबू, पहले मेरे को बहुत जोर लगाना पड़ता था अब नहीं लग रहा, ये जैसे इम्प्रूवमेंट इसमें आया, पानी में अच्छा लगा, उन्होंने एक्सरसाइज भी अच्छी कराई, मुझे बहुत मज़ा भी आया और हम लोग इंजॉय भी कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। और एक चीज़ ये हाइड्रोथेरेपी जो है, यहाँ पर पानी में
एक्सरसाइज कराई जाती है पानी में। तो मैं देखा अभी पानी में एक दिन अगर एक्सरसाइज कराएंगे तो बच्चों को सर्दी हो जाएंगी, तबीयत ख़राब हो जाएंगी। लेकिन मैं अंदर जाके देखा तो पानी का जो टेम्परेचर रहता है माशाल्लाह, लोग मतलब यहाँ पर हर तरीके से बच्चों की इस तरह देखभाल और बच्चों के सेहत का ऐसा ख्याल रखते, वो पानी भी नीम गर्म रहता, पानी ऐसा नहीं कि ठंडा है बिल्कुल, ऐसा नीम गर्म पानी रहता। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को सर्दी नहीं होती। एक दिन और पानी में भी लोगों को हाइड्रोथेरेपी थेरापी कराते, उससे भी बहुत फ़ायदा होता है अल्हम्दुलिल्लाह। ये बहुत ज़रूरी है और यहाँ पर अगर किसी के बच्चे हैं तो ज़रूर एक मर्तबा यहाँ पर आइए, देखेंगे तो आप बार बार यहाँ आएंगे। तो साल में कम से कम दो मर्तबा तीन कैंप या दो कैंप तो ज़रूर यहाँ पर करें, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा बच्चों को हमारे। देखिए हम लोग जो भी करते हैं बच्चों के लिए करते हैं, ये नहीं सोचना कि भाई ख़र्चा इतना होगा वो होगा, यहाँ पर ख़र्चा भी ज़्यादा नहीं है। अब बिल्कुल यहाँ की फैसिलिटी के हिसाब से तो कोई ख़र्चा नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पर रहन सहन का तरीक़ा और यहाँ की जो साफ़ सफाई है बहुत बेहतरीन है, यहाँ आके सुकून से रह सकते हैं आप लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इंशाल्लाह।